वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग अभी जैनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ये हमारी नेट 11 की सीरीज है। तो कल हम लोगों ने सेक्ट ऑफ जैनिज्म तक देख लिया था। आज जो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग स्प्रेड ऑफ जैनिज्म देखेंगे कि जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ था। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की जैनिज्म का एक्सपेंशन कैसे होता है। तो जो जैनिज्म का एक्सपेंशन होता है, हम लोगों ने पहले ही बात की, जो जैन धर्म था वो बौद्ध धर्म से ज़्यादा पुराना था, और इसके जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ठीक है, इसके बाद जो महावीर तक यानी 24th दिन तक तीर्थंकर तक इसका एक्सपेंशन उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, 23rd तीर्थंकर तक, ठीक है, और महावीर के समय में इसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन महावीर के समय होता है, और इनके जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे जैसे चंद प्रद्योत, अजात शत्रु, उदीन, फिर दद्धिवर्धन और चेटक के डिसाइपल जो थे, ये सबके सब क्या थे, महावीर के शिष्य थे। इसके अलावा महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य और जो संप्रति थे, ये लोग भी जैन धर्म के फॉलोअर थे। और कलिंगा रूलर जो खारवेल थे वो तो ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर था। और इन सब के बारे में हमें बात कहाँ से पता चलती है, जो कलिंगा के जो शासक है खारवेल, तो उनके हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि वो क्या थे, जैन धर्म के फॉलोअर थे। जो खारवेल है उसने एक केव भी बनवाया था जिस जो उदयगिरी में है, उदयगिरी जो है उड़ीसा में है। इसके अलावा जो मिडाइवल पीरियड है, तो मिडाइवल पीरियड में भी जैन धर्म का काफ़ी ज़्यादा विकास होता है, जिसमें राष्ट्रकूट के रूलर, फिर गंग शासक, चालुक्य जो गुजरात के शासक थे, और जो चंदेला मध्य प्रदेश के शासक थे, ये सब भी क्या करते हैं, ये सब भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं। जो राष्ट्रकूट शासक है अमोघवर्ष, वो जैन फॉलोअर था। इसके अलावा जो चामुंड राय था, वो गंग डायनेस्टी के राजा राजमल के मिनिस्टर था, ये भी क्या था, जैन धर्म को फॉलो कर रहा था। और इसने एक श्रावण बेलगोला में बाहुबली जिन की मूर्ति बनवाई, जिसको हम लोग बोलते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति। तो ये आप याद रखिएगा कि गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वो गंग शासक के चामुंड राय ने बनवाई थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म है, इसको एक स्लाइड में देख लीजिए कि ये 4th century BC में कलिंगा में पूरा फॉलो कर रहा था। जो खारवेल का इंस्क्रिप्शन है वहाँ से भी हमको पता चलता है कि 1st century AD में स्प्रेड कर रहा था ये। फिर जो मौर्या और गुप्ता पीरियड के बीच में, फिर उड़ीसा के जो ईस्टर्न कोस्ट है, मथुरा का वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर भी ये फॉलो किया जा रहा था। गुजरात, राजस्थान में श्वेतांबर सेक्ट ज़्यादा प्रचलन में था, जबकि मैसूर यानी कर्नाटक में क्या था, दिगंबर। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में एक संप्रदाय दक्षिण की ओर गया, साउथ इंडिया की ओर गया, जो मैसूर में दिगंबर संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और लोग थे जो ओरिजिनल गैंगेटिक वैली है, गैंगेटिक वैली में भी इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे। कुछ रूलर हुए जो पैट्रोनाइज किए जैन स्कॉलर को, उनको उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबार था उसमें अर्नोराज, धर्मघोष सूरी, ये सब जैन स्कॉलर वहाँ पर रहते थे। फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जैन धर्म को प्रोटेक्ट किया, पैट्रोनाइज किया। इनके समय में जीनसेन सूरी थे और अकबर के समय में हरिविजय सूरी था। तो ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जीनसेन सूरी थे और अकबर के समय में हरिविजय सूरी थे। ठीक है, इसके अलावा जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनके समय में धम्मघोष सूरी और अर्नोराज सूरी थे। तो इसको आप याद रखिएगा, कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग के रूप में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण चलते जो है जैनिज्म स्प्रेड किया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि इसने क्या हुआ कि वीमेन और मैन दोनों, वीमेन और शूद्राज दोनों को कहा कि आइए आप मेरा फॉलोअर बनिए, दोनों के लिए ये खुला हुआ था। जबकि ब्राह्मण धर्म में क्या था कि वीमेन को वैदिक लिटरेचर नहीं पढ़ने दिया जाता था, शूद्रा की स्थिति और बुरी थी। तो इसीलिए ब्राह्मण धर्म में जो मतलब कि शोषण की प्रवृत्तियाँ उजागर हो रही थी, उसके कारण ये जो है वीमेन और शूद्राज, इनको क्या था, यहाँ पर इक्वलिटी
टाइप महसूस हो रहा था, इसीलिए इसका क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। फिर इसने क्या हुआ कि लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग किया, और वो कॉमन लैंग्वेज था प्राकृत, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। इसीलिए ये क्या हुआ, ज़्यादा स्प्रेड किया कि अगर आपको किसी भी धर्म को फॉलो करना है, किसी भी धर्म का स्प्रेड करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करें, उनकी भाषा में बात करें, तब वो आपके बातों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जबकि ब्राह्मण धर्म में क्या था कि संस्कृत को फॉलो किया रहा था, और उस समय संस्कृत जो थी वो आम लोगों की भाषा ना होके एक लग्जरियस क्लास भाषा थी, ठीक है। जो 200 ईयर के बाद जब महावीरा का जब डेथ हुआ, तो उस समय गंगेटिक वैली में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसके कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही भद्रबाहु कुछ अपने लोगों को लेकर के साउथ की ओर चला गया, जिसके कारण क्या हुआ, साउथ में भी जैन धर्म का डेवलपमेंट हुआ। जबकि जो बाकी लोग थे वो स्थल बाहु के नेतृत्व में, स्थूल भद्र के नेतृत्व में वहीं पे रुक गए, ठीक है। इसके बाद जो स्थूल भद्र था उसने क्या किया कि जैन धर्म के कुछ कोड को चेंज किया, क्योंकि ये क्या था, स्थूल भद्र जो था वो श्वेतांबर संप्रदाय का था, और जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर संप्रदाय के थे। तो इन्होंने दो पार्ट में सेक्ट को डिवाइड कर दिया, जिसका नाम था श्वेतांबर जो व्हाइट क्लॉथ पहनते थे, और जो दिगंबर जो नेक्ट रहते थे या जिनका स्काई जो था वो क्लॉथ था। फिर इसके बाद इस तरीके से साउथ में जो है स्थूल भद्र के नेतृत्व में, नॉर्थ में, मतलब कि स्थूल भद्र के नेतृत्व में नॉर्थ में, और भद्रबाहु के नेतृत्व में साउथ में दिगंबर संप्रदाय का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो जैन काउंसिल है, दो जैन काउंसिल हुई, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बौद्ध काउंसिल है वो चार हुई थी, 1, 2, 3 और 4, जो आर वी पी के आपको याद होगा, फिर ए के एंड एम एस एम भी, दैट मीन्स कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कनिष्क, कुंडलवन, फिर अजात शत्रु, कलाशोक, अशोक एंड कनिष्क। इसके अलावा ये जो था महाकश्यप, समाकामी, मुगाली, पुत्तिस और वसुमित्रा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से जो जैन काउंसिल है, जैन काउंसिल जो पहला जैन काउंसिल था वो पाटलिपुत्रा में हुआ, स्थूल बाहु के नेतृत्व में, जो स्थूल बाहु जो थे वे श्वेतांबर संप्रदाय के थे, ठीक है। इसमें जो जैन धर्म के 12 अंग हैं, ठीक है, उसको और 14 पूर्व को जो लॉस्ट हो चुका था उसको लिखा गया, और इसको एक्सेप्ट किया गया श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा। जबकि जो सेकेंड जैन काउंसिल है वो वल्लभी में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवर्धि क्षमाश्रवण, ठीक है। इस समय जो सीक्रेट कॉलेक्ट हैं उसको राइट किया, मतलब लिखा गया सिस्टमेटिकली, जिसमें 12 अनंग और 12 उपांग को कंपाइल किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यानी कि जो 12 अनंग हैं और 14 पूर्व है, इसको क्या किया गया, इसको लिखा गया फर्स्ट जैन काउंसिल में, और सेकेंड में 12 अंग को और 12 उपांग को, इनको क्या किया गया, कॉलेक्ट किया गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब जैन लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर थे। सबसे पहले तो ये है कि जो जैन लिटरेचर का जो लैंग्वेज है वो प्राकृत और संस्कृत दोनों है। इसके टेक्स्ट को पूर्व कहा जाता है, जिसकी संख्या 14 है, और जो थ्योरी है जैन लिटरेचर की उसको क्या कहा जाता है, अगम कहा जाता है। जो जैन टेक्स्ट और महावीर के बारे में देख लेते हैं कि कौन से जैन टेक्स्ट में महावीर के बारे में क्या बात की गई है। तो जो जैन धर्म का आचरांग सूत्र है उसके में डिसाइपल जो महावीर के हुए उसके बारे में बात की गई है। जो भगवती सूत्र है उसमें महावीर के लाइफ के बारे में बात की गई है। जो नारधम्य सूत्र है उसमें जो महावीर का क्या क्या एजुकेशन थी, उनकी क्या शिक्षाएं थी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी, उसके बारे में बात की गई है। और जो उसक दाताओं हैं वहाँ से जो वर्शिपर्स होंगे उनका रूल कैसा होगा, उनका लाइफ कैसा होगा, उनके लिए क्या नियम होंगे, इसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा जो जैन टेक्स्ट कौन से रूलर के समय में लिखा गया, तो इसके बारे में देख लीजिए, जो कुबले माला है वो हून रूलर तोरणमान के समय लिखा गया। जो भद्रबाहु चरित्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है, ठीक है। तो जो जैसे कुबले माला जो जैन टेक्स्ट है वो तोरणमान जो हून शासक था उसके बारे में बात करता है, और जो भद्रबाहु चरित्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करता है। इसके अलावा कुछ और जैन टेक्स्ट हैं जो है परिशिष्ट पर्वन, फिर है अश्वैक चूर्णी, आवश्यक चूर्णी, फिर कल्लिका पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, फिर पुरुष चरित्र, इसके अलावा
समरचित्र कथा, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कौन से, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके समय में कौन सा लिखा गया था और उसमें किसके बारे में बात की गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसके अलावा जो है कल्प सूत्र जो है वो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया, जो कथा कोष है इसका मतलब होता है रिच माइन ऑफ स्टोरीज, ठीक है। इसमें जैन वर्जन ऑफ नल दमयंती की जो कथा है, जो महाभारत की प्रसिद्ध कथा है, इसके बारे में बात की गई है। अनेकांतवाद विजय और जो धर्म हिंदू है ये हरिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया, और जो लोक विभंग है वो सर्वनंदी द्वारा लिखा गया। तो एक बार तेजी से देख लेते हैं, जो कल्प सूत्र है वो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया, कथा कोष जिसमें नल दमयंती की कथा है, अनेकांतवाद विजय ये हरिभद्र सूरी, और लोक विभंग जो है सर्वनंदी द्वारा लिखा गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसके अलावा जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र भी है वो संस्कृत लिटरेचर में है, और इसको भद्रबाहु ने लिखा है। कुछ हिस्टोरिकल वर्क है, जो सेमी हिस्टोरिकल वर्क है, जिसको बोलते हैं प्रबंध चिंतामणि, इसके जो राइटर हैं वो मेरुतुंग है, जो 1306 AD में कंपाइल किया गया। इसके अलावा प्रबंध कोष जिसके राइटर राजशेखर हैं, फिर दिगंबर स्टाइल ऑफ चरित एंड पुराना लिखा गया, जिसके राइट जो पद्मचरित है और पद्म पुराना है ये विमल सूरी द्वारा लिखा गया। जीनसेन जो है हरिवंश पुराण की रचना की 783 में, और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं जैसे समरचित्र कथा जिसको हरिभद्र सूरी ने लिखा, उपमित्र भाग वरप्रक कथा ये इसको सिद्धर्षि ने लिखा। तो आप इन सब चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से बुक के राइटर कौन कौन से हैं, कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग के रूप में ये आ सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थंकर हैं और इनके सिंबॉल क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो ऋग्वेद है इसमें ऋषभदेव और इष्टनेमि के बारे में बात की गई है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ऋषभ को इनकार्नेशन ऑफ नारायण कहा गया, हम लोग पहले देख चुके हैं। जो फर्स्ट तीर्थंकर है ऋषभ, इनका जो प्रतीक है इनेबल है वो है इम्बलम जो है वो बुल है। 23rd तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ जो है इनका सरपेंट है, और जो 24th तीर्थंकर है महावीर इनका लायन है। तो ये आप याद रखिएगा, जो पार्श्वनाथ है वो 23rd तीर्थंकर थे, और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में सिंहासन को छोड़ दिया था, और इनको 84 इसके बाद जो है जब इनको ज्ञान मिला तो ये 84 डेज तक क्या हुआ पिनेंस के बाद इनको ज्ञान मिला, मतलब कि 84 दिन तक ये कठोर तरफ तपस्या किए जब तब जा करके इनको ज्ञान मिला। इसके अलावा जो 5 इंस्ट्रूमेंट है नॉलेज के वो है मति, अवधि, श्रुति, महाप्रवाह और केवल, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए कि इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात कर ली है, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने बात किया था लास्ट वीडियो में। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब जैन कल्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कुछ जैन आर्किटेक्चर है जिसकी जगह को आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो पावापुरी टेम्पल है वो बिहार में है, प्रसिद्ध जैन मंदिर है। राजगीर टेम्पल ये भी बिहार में है। इसके अलावा दिलवाड़ा जैन टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो माउंट आबू पर है। विमल सूरी टेम्पल जिसको गुजरात में विमल सूरी ने बनवाया था, फिर तेजपाल टेम्पल और जो है पटिलन्ना टेम्पल। तो इसको कहाँ कहाँ से इसके स्ट्रक्चर हैं इसको आप इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कहाँ कि ये कहाँ कहाँ से मिले हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसके अलावा जो जैन आर्किटेक्चर है इसमें गोमतेश्वर की मूर्ति जो श्रावण बेलगोला में चामुंडराय ने इसको बनवाया था, ठीक है, जो गंग शासक का मिनिस्टर था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग जैन आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो जैन जो लोग थे ये लोग कोई अपना स्पेशल आर्किटेक्चर क्रिएट नहीं किया, बल्कि ये लोग जहाँ भी गए वहाँ का इन्होंने लोकल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को अपना लिया। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने वैष्णव कल्ट की बिल्डिंग जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वैष्णव कल्ट टेम्पल, ठीक है। इसके अलावा जब ये लोग साउथ इंडिया में गए इसी को वैष्णव कल्ट टेम्पल को ही हम लोग बोलते हैं नागर शैली के मंदिर, ठीक है। फिर जब ये लोग साउथ इंडिया में गए तो वहाँ पर ड्राविडियन टाइप टेम्पल के शैली को अपना लिया। इसके अलावा बहुत सारे केव टेम्पल इन लोगों ने भी बनवाया जिसमें, लेकिन इनके जो केव टेम्पल थे वो बुद्धिस्ट केव की तुलना में क्या थे, बहुत छोटे थे। और इसका रीजन क्या था कि जो बुद्ध धर्म था उसमें, मतलब कि बुद्ध धर्म में एक
समूह पर जोर दिया जाता था, वहां पर रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस पर जोर दिया जाता था, जबकि जो जैन रिलीजन था वहां पर इंडिविजुअलिस्टिक चीजों पर ध्यान दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो केव है वो बुद्ध धर्म की अपेक्षा, बौद्ध केव की अपेक्षा छोटा है। इसके अलावा इन्होंने हाथीगुम्पा केव, खंडगिरी केव और उदयगिरी केव भी बनवाया जो उड़ीसा में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो एलोरा महाराष्ट्र में एक एलोरा टेम्पल है, ठीक है, तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर भी इसी में है। तो ये सब भी क्या है, बताते हैं कि जो जैन वर्क्स है, स्टैचू है, ये सब कितने इंटेलेक्चुअल बेस पर बनाए गए हैं, इनकी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर कितनी जबरदस्त थी। इसमें इमेज ऑफ तीर्थंकर बनाया गया है, एक इमेज मिली है लोहानीपुर पटना से तीर्थंकर की, जो मौर्यन पीरियड की है, जो कहा जाता है कि सबसे अर्लीस्ट जैन फिगर है ये। बुद्धिस्ट की तरह जैन लोगों ने भी जो है कई स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें इसके अर्ली एग्जाम्पल जो हैं वो कंकली माउंड मथुरा के पास मिलता है, और जो कुसाना पीरियड है, कुसाना पीरियड मथुरा के आसपास का रीजन है। यहाँ पर जैन आर्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया है, कुसान यानी कनिष्क के समय जैन आर्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाए गए हैं। जैन पेंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जैन पेंटिंग भी उतना ही पुराना है जितना कि बुद्धिस्ट पेंटिंग है, और जैन पेंटिंग जो है वो मुख्य रूप से या तो वॉल यानी दीवार पर किया जाता था, या तार के पत्तों पर, पेपर पर, क्लॉथ पर या वुड पर किया जाता था। इनकी जो पेंटिंग है इसको मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग बोलते हैं, और वेस्टर्न इंडियन स्टाइल पेंटिंग या गुजरात स्टाइल पेंटिंग भी इसको कहा जाता है, जैन पेंटिंग को। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब जैन धर्म की फिलॉसफी के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली फिलॉसफी है अनेकांतवाद की फिलॉसफी, दूसरी है स्यादवाद, तीसरा है सप्तभंगीवाद, और जो चौथा है वो है नव्यवाद का कॉन्सेप्ट। जो अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट है, अनेकांतवाद में ये लोग गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, सोल के ऊपर बिलीव करते हैं, और इनका मानना है कि जो परफेक्ट सोल है वो एवरीवेयर एग्जिस्ट करता है, और वो क्या रहता है कि वो डेवलप होता है कैसे, कॉन्शियसनेस से, पावर से और बिलीव से। और ये जो सोल है वो कोई एक सोल नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स होते हैं, इसीलिए इसको अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अनेकात्मवाद। इसके बाद आता है स्यादवाद का कॉन्सेप्ट। तो जो स्यादवाद का जैन सिद्धांत है ये कहता है कि आप अगर कोई भी बात बोलते हैं, ठीक है, तो वो निरपेक्ष नहीं हो सकता है, बल्कि ये अवश्य संभव है कि उसके विपरीत भी कई शब्द हो सकते हैं या कई बातें हो सकती है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है, तो सूरज पूरब में उगता है ये निरपेक्ष नहीं है, बल्कि ये सापेक्ष है कि यहाँ पर यानी अर्थ पर जो सूरज है वो पूरब में उगता है, जबकि अगर आप वेनस पर जाइएगा, शुक्र पर जाइएगा, तो वहाँ सूरज जो है पूरब में नहीं निकलता है, वहाँ पश्चिम में निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये सब सापेक्ष शब्द हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति एक ही, दो व्यक्ति एक बात बोलते हैं, तो हो सकता है एक कम सत्य बोल रहा हो, एक जो है अधिक सत्य बोल रहा हो। तो इस तरीके से जब इन चीज़ों को देखते हैं तो उसको बोलते हैं स्यादवाद का कॉन्सेप्ट। और जैसे एक चीज़ आप पढ़ते हुएगा कि दो चीज़ें होती है, एक होती है थेसिस, दूसरा होता है एंटीथेसिस, और तीसरी बात होती है इसको बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कोई एक बात होती है उसकी जस्ट अपोजिट बात भी होती है, और इन दोनों का जो बीच का मार्ग है यानी मध्यम प्रतिपदा मार्ग जो बुद्ध धर्म या बौद्धिज्म फॉलो करता है वो क्या है, सिंथेसिस है। फिर सिंथेसिस क्या होता है, थेसिस में कन्वर्ट होता है, और इसका एंटीथेसिस बनता है, और फिर ये सिंथेसिस में कन्वर्ट होता है। तो इसी को बोलते हैं स्यादवाद का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि अगर कोई किसी जगह पर है या नहीं है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब एब्सोल्युटली ये बात नहीं करता है, चीज़ों को सर्कम लोकेट करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देख लेते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है जैनिज्म का वो क्या है। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो इसी यही है कि इसने वर्ण सिस्टम के इविल पार्ट जो है और रिचुअलिस्टिक वैदिक सिस्टम है इसको क्या किया है, कम करने का कोशिश किया है। इसने लोकल लैंग्वेज प्राकृतों को एडॉप्ट किया है, जिसके चलते और बहुत सारे लोकल लैंग्वेज डेवलप होते हैं, जैसे सौरसेनी और अर्धमागधी। इसके अलावा इसने पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस किया है। जो जैन लोग हैं उन्होंने अपभ्रंश भाषा में बहुत सारे चीज़ों को कंपाइल किया है, ठीक है, और जो फर्स्ट ग्रामर है वो इन्होंने कंपाइल किया अपभ्रंश की। जैनिज्म जो है इसने कनाडा लैंग्वेज के भी डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट भूमिका इस्टेब्लिश की है। जो बसदीज होते हैं यानी जैन मोनास्टिक जो होते हैं उनको बसदीज बोलते हैं, और इनके रिलीजियस जो लिटरेचर है वो अर्धमागधी में है, और ये वल्लभी गुजरात में क्या हुए हैं, कंपाइल हुए हैं।
अब वो कौन से कारण थे जिसके कारण जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह उतना विस्तार नहीं कर पाया और इसका डिक्लाइन होने लगा? तो सबसे पहली बात कि इसको लैक ऑफ पेट्रोनेज, मतलब उतना ज्यादा रॉयल पेट्रोनेज नहीं मिला जितना कि बौद्ध धर्म को मिला था। फिर इसके बाद में लैक ऑफ इफोर्ट्स भी था। कहने का मतलब है कि जैन धर्म जो था वो अपने आप को रूरल एरिया में डेवलप नहीं कर पाया, बल्कि ये क्या था, अर्बन एरिया में ही अपने आप को फॉलो करवा रहा था। यानी अर्बन एरिया तक इसकी पहुंच ज़्यादा थी, रूरल एरिया तक इसकी पहुंच बहुत कम थी। सेवेरिटी ऑफ जैनिज्म, तो आप जानते हैं कि जैसे जैनिज्म अपनी फिलोसफी की जो बात करता है अहिंसा की, वो बहुत सीवियर केस तक बात करता है, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल की ये बात करता है। इसीलिए जैनिज्म को फॉलो करना, यानी इसका जो महाव्रत सिद्धांत है इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए लोग इसकी ओर आकर्षित नहीं हो पाए। अनइंटेजिबल फिलोसफी, बहुत सारी जो इसकी फिलोसफी है जैसे जीव अजीव यानी सोल नॉन सोल की जो बात करता है, फिर इसके बाद ये बात करता है पुद्गल की, ठीक है, फिर आकाश की बात करता है, सप्तभंगी सिद्धांत की बात करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि अनइंटेंजिबल फिलोसफी है, बहुत लोगों को ये फिलोसफी ही समझ नहीं आती है, इसलिए भी जैन धर्म अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। फैक्शनलिज्म ऑफ जैनिज्म, जब जैन 200 बार जब महावीर की मृत्यु होती है तो क्या होता है, इसमें दरार फैल जाती है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसके सिद्धांतों को लेकर के लोग दो भागों में बढ़ जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है, इसलिए भी जैन धर्म विकास नहीं कर पाया। इस समय बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, क्योंकि बौद्ध धर्म जो था वो एक्सट्रीम लेवल अहिंसा की बात नहीं करता था, बल्कि मध्यम मार्ग की बात करता था। और जो हिंदू प्रीचर्स थे, इन लोगों का भी बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा कि डिक्लाइन हो गया। जैसे इस समय नागार्जुन जो थे, जिन्होंने शून्यवाद की खोज स्थापित किया या विज्ञानवाद की, फिर जो है कपिल कनाद, ठीक है, ये लोग जो थे एक नए नए सिद्धांत लेकर आ रहे थे। सांख्य के जो प्रवर्तक थे कपिल, ठीक है, तो ये जो नए नए सिद्धांत लेकर आ रहे थे, ये सिद्धांत भी जो क्या हो रहा था कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो इसलिए भी जैन धर्म की ओर लोगों का आकर्षण कम हुआ। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। तो इस तरीके से जैनिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, इसको हम लोग खत्म कर लिए। अब इसके बाद हम लोग जो है राइज ऑफ नंद डायनेस्टी की बात करेंगे, यानी मौर्य एंड मगध एंड नंद डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी की बात करेंगे, ठीक है। मगध के बाद हम लोग मौर्य डायनेस्टी की बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।